अब ये चीजें आपको सुपरफिशियल लग सकती हैं बट दे डू मेक अ डिफरेंस एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट यू कैन काउंट मी ऑन दैट नेवर राइट विद योर पेन कैप ऑन नाउ कमिंग टू अटेम्प्टिंग द पेपर वेन यू गेट द पेपर यू शुड स्टार्ट विद ग्रामर ग्रामर से स्टार्ट करो

इसमें क्या करना है इस तरीके से लिखो कि पॉइंट को एड्रेस करो जो पूछा है वही बहुत ज्यादा इसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है यू जस्ट राइट वॉट एज बीन आस्ट वो बहुत बड़ा बड़ा स्पेस उसमें दिया होता है बट जस्ट दैट दैट रियली यू नो मैटर नोटर अलॉट इफ यू आर एड्रेसिंग द पॉइंट कमिंग टू प्रेसी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउट रिगार्डिंग प्रेसी सबसे पहला काम ये करो गिव टू रीडिंग्स टू रीडिंग्स एंड रीडिंग्स एम गिविंग यू फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व मिनट्स यू आर गेटिंग राइट प्लस इन एट मिनट्स यू हैव टू राइट द प्रेसी थर्ड फॉर्म में लिखो जो फैक्ट्स हैं जो उसका क्रक्स है जो उसकी समरी है उसको एड्रेस करना है बहुत ज्यादा भी हर एक चीज को इंक्लूड नहीं करना है कोशिश करो जितनी वर्ड लिमिट है उसके पांच दस वर्ड से पहले ही उसको खत्म कर दो थर्ड फॉर्म में लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो वट एवर यू यू नो यू फील बेस्ट एट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ठीक है आफ्टर प्रेसी वी कम एट रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स का सिंपल सा फंडा है कि एक बॉक्स में बनाऊंगा बॉक्स कैसे कि हमें पहले शीट मिली होती है जिसके दोनों साइड ऐसे लाइन लगी होती है उसमें फिर भी ऐसे ऐसे दो लाइन लगा दो फॉर्मेट को प्रॉपर्ली फॉलो करो एक्स वाई जेड कॉरस्पॉन्डेंट बाई दिस 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 और इसके बीच में जल्दी से उसको खत्म करो मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम आपको रिपोर्ट्स में नहीं लगना चाहिए बिकॉज एक्चुअली रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं बन सकता बट इट शुड ऑल्सो बी इन थर्ड फॉर्म यूजली इन द पास टेंस प्रेजेंट में भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स इन द दिनारियो रिपोर्ट्स यू शुड बी डन विद इन फिफ्टीन मिनट्स आई वुड से क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा काम आपके पास है नहीं सो नाउ वी हैव अटेम्प्टेड लाइक फोर क्वेश्चन एक घंटा और बीस मिनट में हमने चार क्वेश्चन कर लिए हैं ठीक है दैट इज इट नाव कमिंग टू आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स मेरा फेवरेट टॉपिक है इन द होल ऑफ द पेपर और इस पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा

अब यहां पे अगर मैं प्रो एक पूरा पैराग्राफ लिखूंगा फिर एक अगेंस्ट का पैराग्राफ लिखूंगा तो एग्जामिनर हिमसेल्फ विल हैव अ लॉट ऑफ यू नो डिफिकल्टी रीडिंग इट क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपी वैसे भी चेक करनी होती है तो फोर में मैंने एक पॉइंट लिखा फॉर एग्जाम्पल होमवर्क बंद करने के लिए कि इट विल गिव दम एडिशनल टाइम टू यू नो एक्सप्लोर दर टैलेंट्स और अगेंस्ट में मैं इसी से रिलेटेड एक चीज लिखता हूं जैसे कि यहां पे टाइम का मैंने मेंशन किया तो यहां पे मैं कह दूंगा कि उस एडिशनल टाइम में वो लेजीपना भी आ सकता है लेजीनेस भी आ सकती है उनमें या फिर वो कुछ अनप्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं इस तरीके से आपको पांच छह डायमेंशन लिखनी है लेकिन वो कोहेरेंट होनी चाहिए कहने का मतलब यह है कि मान लो फोर और अगेंस्ट में मैं ये कह रहा हूं कि आईपीएल की बैटिंग को जो कि बैटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए तो यहां पे आपने लिखा कि बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है क्राइम फैलता है अब यहां अगेंस्ट में आप क्या लिख रहे हो उसके कि इसमें वो हो जाते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं तो ये दोनों बहुत ही अलग चीज किस्म की बातें हैं अगर यहां पे क्राइम से रिलेटेड है तो उसका कुछ अलग से आप यहां पे बताओ कि मतलब रिलेटेड टू क्राइम इट इट इज इट इज एक्चुअली स्किल बेस्ड गेम सो इट इज नॉट रिलेटेड टू क्राइम फोर और अगेंस्ट का एक कोहरेंस होना चाहिए ठीक है दैट इज छः पॉइंट दोनों आर्ग्यूमेंट्स में लिख दो बहुत ज्यादा बड़ी बात यह है नहीं चालीस मार्क्स का है

इतने में काम चल जाए